नहीं आए, इतनी जनता रात में कि मुझे इस किनारा क्षेत्र का चुनाव नहीं मिथिलेश। कहाँ रहते हैं आप? जरवा में, बलजरवा में। कौन सा ताना लगता है आपका? दिनारा। क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ? मैं ये समस्या लेके आई थी कि जो करहरा के हैं किन्नर, तो जो मुझे मारने की जान से धमकी दे रहे हैं, और मैंने दिनारा इलाका की मांग करी कि मुझे दिनारा इलाका चाहिए, तो मुझे जान से मारने की ग्वालियर के जड़े और करहरा वाले, और करहरा वाले इधर उधर के जड़न को बुला के मुझे धमकी दे रहे बहुत मारने की, बहुत 50 लाख जमा कर देंगे, 30 लाख जमा करने के तुझे जान से। और जिन्हें साहब लिंक परवान करा के ये किन्नर बन गए हैं। मैंने कही मेरी जांच कराइए, आप अपनी कराइए, जिसकी जांच में कोई बोया आए उसको जेल भिजाइए और उसको नन्ना दिलाइए। मालिक मुझे बहुत, मेरा बहुत बहुत मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और कहीं भी जाती तो मुझे मारते हैं, पीटते हैं। मेरी अभी नंग नंग की मुझे जांच करा, मेरी नंग नंग में चोटें हुई। क्या नाम है उनका? आशा नैना आंचल। तो ये कहाँ के लोग हैं? आप तो आके, आप तो वहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ, मैं जरगवां की रहने वाली। तो क्या चाहते हो फिर आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे दिनारा क्षेत्र चाहिए। तो ताने में रिपोर्ट लिखाई आपने? लिखाई नहीं, लाई मेरी रिपोर्ट। तो वे जो कहते हैं कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ से सुनाई होगी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। आपकी जो संस्था है, संस्था टाइप ही रहती है ना आपकी, इसमें एक बॉस होता है, उस बॉस से आपने संपर्क किया? किया मैंने उनसे, वो भी करी भिजे कि मुझे दिनारा क्षेत्र चाहिए, तो वे दिनारा क्षेत्र नहीं दे रहे, और वे हैं बाहर की जड़ी रहने वाले, उनके लुगाई लड़का भी हैं, मतलब बाहर के, वहाँ आके कब्जा कर रहे हैं। हाँ, कब्जा कर आपको भगा रहे हैं? हाँ, मुझे भगा रहे हैं। तो इसमें क्या आपके समाज के लोग आपका सहयोग नहीं कर रहे? जिसने चार पैसे उसी के सहयोग दे रहे। मैं आज सही सोलेट अच्छे पैसा वाली होती तो मेरे गले में चीजें होती, सब होता। मैंने तो जब भी 50 लाख मारने की धमकी दे रहे, तो सब बताओ मैं कहाँ से ले आऊँ इतना 50। मुझे ना तो 50 रुपया भी नहीं है। पहले से भी तो आप काम कर रहे हो? काम कर रहे तो जहाँ भी काम को जाती, जहाँ मुझे मार कूट के भगाते हैं, पैसे भी छुटा लेते हैं और मुझे भगा देते हैं। बताइए मैं कहाँ पर जाऊँ? अभी कलेक्टर में क्या बोला कलेक्टर साहब? मैंने ये बोला था कि साहब मुझे दिनारा क्षेत्र की मांगे, मैं अब बलजरगवा की रहने वाली हूँ, मुझे दिनारा क्षेत्र चाहिए। साहब ने आश्वासन क्या दिए हैं? साहब ने जो कहा कि आपको मिल जाएगा।